सो आज के वीडियो में अपने घर पे हरियरका को भी जिसको ब्रोकली बोलते हैं डॉक्टर वगैरह सेवन करने के बोलते हैं ताकि शरीर में जो भी एनर्जी मिले ठंडा में इसमें जो खाने से क्या फायदा जैसे कि शरीर में गर्मी ज़्यादा मिलता है तो जिसको ठंडा में बूढ़ विधायला खाता है ताकि शरीर में टेम्परेचर बना रहे ताकि ठंडा अटैक ना करे ठीक ना हेला खाते हैं डॉक्टर कहता है बुआ कि खाइए तो चल जाओ ऊपर हेला आप लोग सेवन करेगा इसको लगा सकते हैं मार्केट वगैरह में जैसे कि हम लोग जाते खरीदने के लिए एक पीस का वही 50 रुपया से लेकर ऊपर रहता है नीचे रहता है यानी नीचे 20-30 रुपया तक रहता है एक पीस का कीमत किलो वगैरह पर नहीं मिलता है ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको थोड़ा जाने में थोड़ा मनी वगैरह लग जाता है और बीज का कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है एक पेड़ का कीमत 5 रुपया पड़ता है बीज का ठीक ना और ऊपर तो 100 रुपया तक ला बिक सकता है आप अपने घर पे बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं बीज के बाद कहाँ से लाना है बीज कहाँ से लाना है आगे बताते हैं पहले देख लीजिए कैसे लगाना है जमीन हो या ना हो मांगे नहीं कर रहा आप चाहे तो छत वगैरह पर लगा सकते हैं बुरा हो बुरा नहीं तो फोम वगैरह जो मछली वगैरह का फोम जहाँ मिलता है जिसमें मछली रहता है वो फोम में लगा सकते हैं नहीं तो ट्रे वगैरह में ना है तो इस प्रकार से दीपावली के समय कचरा निकलेगा यही कचरा में आप लोग करना है ये देखिए मतलब डिब्बा ले लीजिए गाड़ी वाला यह देखिए डिब्बा डिब्बा ले लीजिए बीच वाला भाग से काट दीजिए कैंची ढुकाई जिस प्रकार से काटना है देखिए इस प्रकार से डिब्बा कट कर दीजिए जैसे कि और सभी जो भी डिब्बा है कि इस प्रकार होना चाहिए देखिए हम जा रहे हैं नदी में से पानी लाने ये दोनों डिब्बा ले लिए हैं और इस साइड में पानी है और ये देख सकते हैं गंगा जी का पानी इसमें से पानी भर कर लाएंगे जो भी पौधा लगेंगे उसमें आप पानी पड़ाएंगे इसीलिए यहाँ से जा रहे हैं भरने ये पूरा गिल्ला था पूरा देख सकते हैं पैर धंस रहा है और यहाँ से पानी भर लेते हैं पानी थोड़ा बहुत वहाँ पर ज़्यादा नहीं था थोड़ा बहुत था और क्योंकि आसान तरीके से बताना है देखिए आज इसीलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कोई मशीन का उपयोग नहीं करें ताकि आप लोग घर पे कर पाए नहीं तो हम लोग ग्लेंडर फ्लेंडर ठोकने ठोकने वाला ये क्लिप क्लिप मतलब कि 75 होने के बाद समझ नहीं आता क्या करें नॉर्मल तरीका से करें जो भी देखिए हम नॉर्मल सामान का उपयोग करें नहीं तो हम लोग ग्लेंडर ठोकने वाला क्लिप और क्या ड्रिल मशीन पूरा उपयोग करते तो देखने वाला लगता है यार ये तो होगा नहीं और नॉर्मल तरीका से जो हम करें वो आप ही कर सके इस प्रकार जो भी अगला आदमी भाई कर सके ऐसा काम होना चाहिए ना कि समझ रहे ना इसलिए नॉर्मल तरीका से बता रहे कोई भी बीज लगेगा ना लगाइएगा तो उससे पहले उसका जड़ को भाई साहब धो दीजिएगा ना तो कहीं कहीं छोरा गलती बतवे छा फिर सुख साग जाए अगर यू बात में तो पेड़ के ना जो जड़ के ना धो दीजिएगा पहले ना तो जड़ धोने से क्या होता है ना कि वो जल्दी लग जाता है और उसका जड़ को फैलने की कैपेसिटी जल्दी होता है उसको मतलब कि लगता है कि हमारा अपना संसार आ गया इस प्रकार से डिब्बा में जिस प्रकार से हमने बताया है गोबर और मिट्टी का मिक्सिंग लगा के भर लेना है इसको कोई बाल्टी वगैरह में नहीं लगाना ये ध्यान में रखना इसको छोटा डब्बा वगैरह में लगा सकते हैं ना तो बोरा में चाहे जो भी आपका अभी दीपावली के मौसम में जो भी कचरा डब्बा निकला उस सब में मिट्टी भर का और खेती प्लांट करना लिए छत पर साला 10 दिन बनेगा सब्जी पता है 10 दिन में वही स्वस्थ रहेगा सही ना तो दम फुल्ली की बीमारी क्या क्या होते रहता है देखिए पेड़ को मतलब कि लगा दीजिए डिब्बा में इसको एक ही पेड़ लगाइएगा ठीक है ना ज़्यादा मत लगाइएगा इसका बीज कहाँ से लगाना है सुख बताते हैं इस प्रकार से लगा दीजिए जिस प्रकार से मिट्टी के मिक्सिंग गोबर मत ज़्यादा दीजिएगा थोड़ा ताकि खाद नहीं पटाना है तो गोबर देना पड़ेगा ठीक है ना तो मिट्टी में कितना शक्ति है बीमारिया मिट्टी होगा तो फिर बीमारिया नहीं पड़ेगा इस प्रकार से लगा देना है पानी पटा देना है पानी हमारे पास नहीं है क्या आई कोई मशीन उशीन का उपयोग नहीं कर रहे देख लीजिए अपने वही नॉर्मल तरीका ना तो हम कटे फटे का उपयोग करते हैं तो लगता है कि छोड़ा मार मशीन रख ले और काट काट के बना देता है तो मशीन उशीन कोई नहीं है नॉर्मल तरीका से और घर से दूर में है यही में से पटा देते हैं तो बैगन के पेड़ गा रहे हैं वही में से पानी बचा हुआ है वही में से पटा देते हैं आप लोग अपना पटा दीजिएगा इसमें भी पानी सूख जाएगा पानी पटा दीजिएगा अपना ठीक ना इसको जैसे कि है ना 3 दिन रेगुलर पानी पटाना पड़ेगा 3 दिन के बाद क्या होता है कि पानी तो पटाते रहेगा 3 दिन के बाद एक दिन गैप करके पानी पटाएगा 3 दिन के बाद एक दिन गैप करके पटाएगा तो कोशिश करेगा शाम में मॉर्निंग में दोपहर में पानी नहीं पड़ेगा ठीक है नहीं तो सर्दी वगैरह होता है इसी प्रकार से इस पर अटैक हो जाता है तो मॉर्निंग में न तो शाम में पटेगा ताकि पेड़ प्रोग्रेस में आता है ठीक ना बाकी तो कखनियों पटा सकते हैं अभी अक्टूबर के एंड हो रहा है यानी ख़त्म हो रहा है नवंबर आ रहा है तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगा लीजिए अभी हमारे साथ में आप लोग लगा लीजिए बीज आप नियर बाय किसान सेंटर से जहाँ किसान वगैरह का सामान मिलता है वहाँ से संपर्क के लिए आ सकते हैं ना अगर आप टाउन से बिलोंग करते हैं तो आपके नर्सरी प्लांट में अवेलेबल है वही 100 बीज लाइएगा ना तो इसका महंगा पड़ जाएगा 100 बीज को आप कम से कम नहीं तो 100 रुपया ले लेगा
ऐसे कि हमारे पास ऐसे बीज है ढेर सारा है, जो ब्रोकली का है, व्हाइट को भी, जो उजला को भी है, बंदा को भी का है, बैंगन का है, इस प्रकार से हमारे पास ढेर सारा। ये देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं इसमें मेरा हरिका को भी यानी ब्रोकली का है, और ये बहुत कॉस्टली हमारे खेत में लगाया गया है। हम कोशिश करते ज़्यादा नहीं, दो चार पेड़ ही उखाड़े क्योंकि ये फिर, और देख सकते हैं एक और दो, कोशिश करते दो ही उखाड़े कि हमको खेत में भी लगाना है। दो हमने प्लांट उखाड़ लिए और हमारे साथ उस साइड में भी और ढेर सारा जो प्लांट लगाया गया है, वाइट गोभी का, फिर बैंगन का, और इसमें मेरा वाइट मतलब कि गोभी का बीज है। अगर नॉर्मल वाला होगा, अगर महंगा वाला होगा तो एक पेड़ का कीमत 5 रुपया पड़ जाता है, सोच लीजिए। हरियर का गोभी के एक बीज का कीमत 5 रुपया पड़ जाएगा। बाकी इसमें बहुत वैरायटी है, ठीक ना। इस प्रकार से आप कोई भी बीज ला कर लगा लीजिए। लगाने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि इसमें कोई समस्या नहीं देखने पड़ेगा, इसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं आता। अगर आता है तो पाउडर वगैरह थोड़ा बहुत छीट सकते हैं। और क्या बात हो सकता है, समय पर पानी पटाएगा। इसका जो फसल है आपको वही 45 से 55 दिन के आसपास में इसमें आ जाएगा ब्रोकली। जब देखिएगा कि फता जो छत्ता है, इसको छत जो होता है ना फल वो जब हल्का हल्का उभरने लगे तो इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इसमें दिक्कत हो तो कमेंट करेगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। घर से बहुत दूर हैं, आज कोई मशीन का उपयोग नहीं करें, आप लोग नॉर्मल तरीका से लगा लीजिए, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जरूर खाद नहीं पटाना है, ठीक है भाई साहब, रखते हैं।